नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा SO IPL टूर्नामेंट के मैच नंबर 25 में, जहां पर चेन्नई भिड़ने वाला है हैदराबाद के सामने। रैंकिंग टेबल में आप देख सकते हैं दोनों की स्थिति। हम लोग बढ़ेंगे अभी के लिए सीधा टॉस की तरफ और देखेंगे कौन यहाँ पर जीतता है। टेल्स लेग, भाई यार लेग चालू हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे इसे रोकने का, लेकिन फिर वो मेरे हिसाब से परफेक्ट कहलाएगा नहीं। मैं क्या लूँ, बॉलिंग ले रहा हूँ। यहाँ पे लैग हो रही गेम काफ़ी बुरी तरह से। बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिल सकता है आपको। महेंद्र सिंह धोनी को हमने बुलाया है टीम में, उसके अलावा बाकी के प्लेयर आपके सामने। यहाँ पर शुरुआत होती हुई, और कई लोग बोलते हैं कि भाई लेग का कोई असर नहीं पड़ता गेम प्ले पे। भाई बहुत असर पड़ता है अगर आप लेग में खेले होंगे। ये वीडियो तो आप देखोगे तो एडिटेड है, लेकिन उसमें सिर्फ लाइन पर रखना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, इनके सामने हमें करनी है गेंदबाजी, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है मैंने इमरान ताहिर के ऊपर। आज टॉस जीत के बॉलिंग ली चेन्नई ने, दूरी से ही सही लेकिन परफेक्ट लाइन मिस किया है। और रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहो आप, पहले ही हमारे हौसलों पे पानी फेर दिया है। कुछ दूरी से फिर मिस होते हुए परफेक्ट लाइन को जाता हुआ एक और सिक्स। इस बार हौसले पूरी तरह से पस्त दिखते हुए हमारे, कुछ दूरी मिस होता हुआ परफेक्ट लाइन जाता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, 3-6। और इस मैच में मेरे ख्याल से अब हैदराबाद जीत चुकी है, चांस कम है चेन्नई का। और हौसले बता रहे हैं यहाँ पर, लैगिंग का फ़ायदा है, वरना फिर मैं गेम में घुस के इनको बताता कि कैसे की जाती है बॉलिंग। बहुत मुश्किल से किसी तरह परफेक्ट गेंद की है, इस पर भी अगर सिक्स लग जाता तो फिर भाई विश्वास उठ जाता गेम से। ऐसे भी उठ चुका है कई बार अभी तक, लेकिन देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आता है। लैग देख सकते हैं आप, जॉनी बेस्टो स्ट्राइक पर आए हम। यहाँ पर अगली गेंद, हम श्योर है नहीं किस तरह की होगी ये गेंद। अरे दिखा भी नहीं कहाँ, क्या क्या शॉट लिया कुछ समझ नहीं आया, बस सीधा दिखा जाता हुआ बाहर 6 के लिए। आखिरी गेंद, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि 25 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। कैच का कॉल है, विकेट मिली है, लेकिन आप आवाज़ में देख सकते हैं कितना हौसला है हमारा। 25 रन बना चुके हैं जो कि इनफ है, 15 बना था तो भी इस लेग में 15 बनाना भी मुश्किल हो जाता। चेन्नई की बदकिस्मती की 26 का सामना करने उतरेंगे चेन्नई के खिलाड़ी। यहाँ पर एक ऐसी मैच जहाँ पर बॉलिंग टीम ऑलमोस्ट जीत चुकी है ये मैच। लेग का फ़ायदा तो है ही, ऊपर से डिफ़िकल्टी भी हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि गेम खेलने की आदत छूट गई थी। मैं हो सकता है कि अब सीरियल क्रिकेट ना भी खेलूं इसमें। रशीद खान स्पिनर में आए, लेने वाले एडवांस शॉट और जाता हुआ 6 के लिए। हाँ, जिन लोगों ने खेला होगा उनको पता होगा लेग में कि कितना मुश्किल है लगाना 6 अभी के लिए। काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, और चौका लगता हुआ बहुत अर्ली शॉट था, फिर भी बाउंड्री के पार, किस्मत साथ दे रही है थोड़ा बहुत। लेने जा रहा हूँ मैं हेलीकॉप्टर शॉट, वो भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ। क्या लैग है तेरी, 2 रन यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। जो 6 मारा था वो कमी हो गई है, कवर हो गया है वो यहाँ पर 2 रन के साथ। खेलने वाले फ्रंट फुट पर शॉट, थोड़ा साथ दे दे किस्मत, यहाँ पर 6 जाता हुआ यहाँ पर बना हुआ है चेन्नई अभी भी। ये अभी तक की सबसे क्लोज फाइट बन रही है लेग वाले मैच में। फील्डर बदलाव करते हुए फील्डिंग में एक बार और ऑलरेडी किसी भी तरह से बल्ले पे लेनी होगी ये गेंद। ओ यार ये कैसी वाइड गेंद भी थी यहाँ पर, अब कोई मतलब नहीं रह रहा है गेम का। वाइड गेंद यहाँ पे, पिछली वाली भी वाइड ही थी, छोड़नी थी। रशीद खान अब एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे किसी भी तरह का। आखिरी गेंद लेग के कारण कहो या जो भी आप समझ सकते हो, जैसा आपकी सोच हो, लेकिन यहाँ पर निराशा हाथ लगती हुई। और चेन्नई इतना फाइट देने के बावजूद भी इससे बड़े स्कोरिंग वाले मैच में हारता हुआ हैदराबाद यहां पर जीती है। फाइनल स्कोर 6 में 20 बनाए धोनी ने, बहुत बड़ी बात है। बस एक गेंद अगर बल्ले पे आ जाती, वो मिस नहीं हुए थे, वो बाउंड्री चली जाती तो मैच का रिजल्ट अलग होता। चौका लगता, 25 होता स्कोर और विन बन गए होते हम लोग, या ड्रॉ होती एटलीस्ट। प्रेजेंटेशन का वक्त, मैन ऑफ द मैच के दावेदार यहाँ पर बैटिंग बैट्समैन ही होने चाहिए मेरे ख्याल से, बॉलर्स को तो मुझे नहीं लग रहा है देना चाहिए। डेविड वार्नर बनते हुए, नई रैंकिंग सिस्टम आपके सामने आ चुकी है। और अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा,
जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।